संसदीय स्थायी समितियां भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां संसद के कामकाज को सुचारू और संगठित रूप से चलाने में मदद करती हैं और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की निगरानी करती हैं। हाल ही में विभिन्न विभागों की संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके तहत कई प्रमुख नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आइए जानते हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल को मंत्री स्तरीय संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो मंत्रियों के कामकाज पर निगरानी रखेंगे और संबंधित सुझाव प्रदान करेगी। इस समिति का मुख्य कार्य का यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रियों का प्रदर्शन प्रभावी हो और वे सार्वजनिक हित के मुद्दों पर सही दिशा में काम कर रहे हों। अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। ये समिति ऐसे मुद्दों पर विचार करेगी जो पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये समिति स्थिर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निशिकांत दुबे भाजपा नेता और सांसद को संचार और आईटी पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचार और आईटी क्षेत्र में भारत का तेजी से विकास हो रहा है और इस समिति का काम होगा कि वह नीतियों का निरीक्षण करे और नए तकनीकी विकास को सरकार के नीतियों में लागू करने के सुझाव दे। साथ ही अनिल बिलोनी को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद को रक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये समिति भारत की रक्षा नीति, सुरक्षा रणनीतियों और रक्षा उपकरणों की खरीद पर ध्यान केंद्रित करती है। राधा मोहन सिंह को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर समिति का नेतृत्व करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णयों में सहयोग करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति भारत की विदेश नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका का निरीक्षण करेगी। वहीं शशि थरूर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीति और विदेश नीति से जुड़े मामलों में दिशा निर्देशन करेंगे। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि संसदीय स्थायी समितियों का महत्व क्या है। संसदीय स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज की विस्तृत समीक्षा और मूल्यांकन करना है। ये समितियां विशेषज्ञता के साथ नीतियों की समीक्षा करती हैं और सरकार को आवश्यक सुझाव देती हैं। समितियां संसद की कार्रवाइयों की सुचारुता बनाए रखने और विशेष विधायिका मुद्दों पर जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती हैं। हर समिति के पास विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है और हर वह उन मंत्रालयों, विभागों के कार्यों की निगरानी करती हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये समितियां नीतिगत फैसलों का गहराई से विश्लेषण करती हैं और संसद में उन पर चर्चा के लिए सुझाव देती हैं। इसका उद्देश्य न केवल सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, बल्कि यह भी है कि कोई भी नीति या विधेयक जल्दबाजी में लागू न हो और उसका समुचित मूल्यांकन हो सके। संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन हर साल किया जाता है, जिसमें सदस्य नई जिम्मेदारियां लेते हैं। इसके अलावा कई अन्य समितियां, जैसे संयुक्त संसदीय समितियां, तब पुनर्गठित होती हैं जब कोई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है या अपनी लोकसभा सीट खो देता है। 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं जो सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को कवर करती हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। समितियां न केवल मंत्रालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी करती हैं, बल्कि वे बजट नीतियों और विधेयकों पर भी महत्वपूर्ण सुझाव देती हैं। ये समितियां संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों को रिपोर्ट मांगती हैं, मंत्रियों से सवाल करती हैं और संसद को सुझाव देती हैं। इन समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है, लेकिन इनके द्वारा दिए गए सुझावों पर संसद में चर्चा की जाती है। संसदीय स्थायी समितियों का गठन और पुनर्गठन भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन समितियों के सदस्य संसद के विभिन्न दलों से चुने जाते हैं, जिससे इनकी निर्णय प्रक्रिया व्यापक और संतुलित होती है। हाल ही के पुनर्गठन के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि समितियां अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करेंगी और सरकार को नीतिगत निर्णयों में सहायक सिद्ध होंगी। आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा, समय का समय डिजिटल।